सनिश्चराये नमः। श्री शनिदेव का तन मन धन से पूजा अर्चन करता है, उनको याद करता है, उनका विधिवत जाप करता है, वो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की भैया, जिसे कहते हैं शनि भैया, शनि सारे साथी, पंचम शनि, अष्टम शनि या शनि महादशा, शनि की अंतर्दशा या गोचर काल में आ रही शनि की समस्त पीड़ाओं से धीरे धीरे कर मुक्त हो जाता है। भगवान शनिदेव बहुत ही सीधे हैं वैसे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि उनकी जो जन्म की कथा है, आज शनिवार का दिन है, मैंने गुरुवार रुक्मिणी जी को बोला कि आज से मैं हर शनिवार को आप लोगों के बीच में आके भगवान शनि श्री शनिदेव के चरित्र का वर्णन करूंगा, उनके पूजा का विधि विधान आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप पर जब भी कोई शनि की दशा, अंतरदशा या महादशा की कोई पीड़ा आए तो आप स्वयं छोटे छोटे उपाय करके या उनके मंत्रों का जाप करके उस पीड़ा से अपनी आपको मुक्त कर लें, छुटकारा पा लें, या अपने रिश्तेदारों को, अपने इष्ट मित्रों को भी उस पीड़ा से, उस कष्ट से निजात दिला दें। अब आप सभी लोग में से कोई व्यक्ति जानता है कि भगवान शनिदेव के पिता कौन थे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, भगवान शनि के जो पिता हैं वो सूर्य भगवान हैं, और इनकी जो माता है वो छाया है। तो भगवान श्री शनिदेव का जो जन्म था वो पिता सूर्यदेव और माता छाया के द्वारा हुआ था। ये शुरू में बचपन में बहुत चंचल और क्रोधी स्वभाव के थे। इनके जो भाई थे यम और माँ बहन थी यमुना, तो यमुना नदी है वो इनकी बहन है, और जो यमराज जी हैं वो इनके भ्राता श्री हैं। हमारे सभी कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो हम इस जीवन में यहां पर कर लेते हैं, वो भगवान शनिदेव देते हैं, लेकिन जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त जी जो डायरी खोल के रखते हैं हमारे पाप और पुण्यों की, उसका हिसाब किताब यमराज जी लेते हैं, उसके आधार पर हमें स्वर्ग और नरक की सैर करवाते हैं। कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। इसने बहुत पुण्य किए हैं, इसने बहुत नेक काम किए हैं, इसने अच्छे काम किए हैं, इसने गरीबों की मदद की है, ये कहां जाएगा? ये दुष्ट आदमी है, इसने कभी भगवान को नहीं माना, इसने सदैव पाप किया है, तो ये नरक की यात्रा पर इसे भेज दिया जाए, 200 साल की यात्रा पर भेज दिया जाए, 500 साल की यात्रा पर भेज दिया जाए। इस तरह का जो फैसला होता है वो केवल केवल यमराज जी करते हैं। इस जीवन में मगर हम जो कष्ट भोगते हैं उसका दंड जो विशेष रूप से हमें मिलता है वो शनिदेव महाराज देते हैं। तो शनिदेव महाराज बचपन से ही बहुत चंचल और क्रोधी स्वभाव के थे, भाइयों से बहनों से हमेशा लड़ते और झगड़ते रहते थे। धीरे धीरे ये बड़े हुए तो इनकी उद्दंडता और बढ़ती चली गई। जब ये युवा अवस्था को प्राप्त कर गए तो सूर्य भगवान ने ये युवा अवस्था को पार कर गए तो सूर्य भगवान ने सोचा क्यों ना मैं अपना जो मेरा सूर्य लोक का राजपाट है मैं इन सभी भाइयों में बराबर बराबर काम देता हूं। तो भगवान श्री सूर्यदेव ने सूर्य लोक का जो सारा हिस्सा था वो इनके बीच में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, लेकिन अपने निष्ठुर स्वभाव के कारण, अपने हठी स्वभाव के कारण, अपने बल के कारण इन्होंने धीरे धीरे करके अपने सभी भाइयों को हराकर उनके सभी हिस्से छीन कर पूरे सूर्य लोक पर एकाधिकार कर लिया। सारे भाई इनके सूर्य भगवान के सारे भाई लोग रोते हुए अपने पिताश्री
पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा कही कि पिताजी आपने हमें जो हिस्सा दिया था वो तो इन्होंने छीन लिया है, शनिदेव ने छीन लिया है, और ये हमें हमारा जो आपने दिया गया राजमार्ग था वो वापस नहीं कर रहे। पिताजी ने शनिदेव को बुलाया, सूर्य भगवान ने शनिदेव को बुलाया और उनसे कहा कि पुत्र आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर ये आपके भाई हैं, आपके सगे भाई हैं, आप इनका हिस्सा कैसे छीन सकते हैं, इनके अधिकार को कैसे छीन सकते हैं, आपको तो इनका इनका बाहुबल हो, अपने बाहुबल से इनकी मदद करनी चाहिए, आप उल्टा इनका हिस्सा छीन रहे हैं, आप इनका हिस्सा इनको वापिस करिए। सूर्य भगवान को सूर्यदेव की बात को शनिदेव जी ने अनसुना कर दिया, और अनसुना करने के बाद स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कोई हिस्सा विस्सा किसी को नहीं देने वाला, ये मैंने अपने बाहुबल से हासिल किया, जिसमें दम है वह मुझसे अपना हिस्सा छीन ले वापस ले ले, और जिसमें दम नहीं है वो मेरी गुलामी करे। अब जब उन्होंने बिल्कुल बात मानने से मना कर दी सूर्यदेव भगवान की, तो सूर्यदेव ने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गया, और प्रकट होने के पश्चात जब सूर्य देव की व्यथा सुनते हैं तो उन्होंने शनि भगवान को समझाने का प्रयास किया, शनि देव जी को समझाने का प्रयास किया, अरे शनि तुम क्या कर रहे हो, तुम बलि हो ये मैं मानता हूं, लेकिन अपने बल से अपने छोटे या बड़े भाइयों का राज्य छीनना एक अच्छी बात नहीं है, आप उनका राज्य वापिस कर दीजिए। शनिदेव जी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। बहुत बार समझाने के बाद जब भगवान शिव की बात शनिदेव जी ने नहीं मानी तो अंततः भगवान शिव को क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद उन्होंने अपने जो गण हैं, उनके जो सेनापति हैं वीरभद्र, तो उन्होंने वीरभद्र को याद किया है, वीरभद्र वीरभद्र वीरभद्र, तुरंत वीरभद्र वहां हाजिर होते हैं, तो भगवान शिव जो है उनको आदेश देते हैं, ये शनि उद्दंड होता जा रहा है, इसे सबक सिखाओ, इसने अपने भाइयों का शासन छीन लिया है, उनका राजपाट छीन लिया है, तुम शनिदेव को तुरंत दंडित करो, ये मेरा आदेश है। भगवान शिव की बात सुनकर अपने दया के साथ वीरभद्र जो थे वे भगवान शनिदेव पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अपने बाहुबल और अपने पराक्रम से जो भगवान शनिदेव हैं वो वीरभद्र के सभी जो गले को गाजर मूली की तरीके से काटने लगते हैं, और अंततः अपनी जान बचाते हुए वीरभद्र वहां से भगवान शिव यह देखकर दंग हो जाते हैं, उनका क्रोध बहुत बढ़ जाता है, तब वो अपनी शक्ति को याद करते हैं, और अपनी शक्ति को याद करते हुए अपने त्रिशूल से शनि भगवान के ऊपर शनिदेव जी के ऊपर प्रहार करते हैं। और ये जो देवों के देव महादेव की शक्ति थी तो उसका असर तो होता ही था, शक्ति लगते ही शनिदेव जी मूर्छित हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं, और यह सब देखकर पिता के रूप में भगवान सूर्यदेव पुनः विचलित हो जाते हैं, और भगवान श्री शनिदेव भगवान श्री शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शिव, क्या आप डिवोर्सी हैं? क्या आप डिवोर्सी हैं और अपनी लोनलीनेस से परेशान हैं और अपनी रीमैरिज की संभावना ढूंढ रहे हैं? तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानें। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय
रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। इस तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आएं और अपना जीवन सुखी बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।